birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to the channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब. आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं. दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ मेरी इस बालकनी का मेकओवर शेयर करने वाली हूँ. और काफ़ी दिनों से आप लोगों से मैंने बोला था कि वीडियो का काम चल रहा है, तो फाइनली वो दिन आ गया है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये जो हमारा बैल्कनी है ये 12x6 feet का है. और यहाँ पे जितने सारे प्लांट्स आप देख रहे हो, सारे प्लांट मैं नीचे, मतलब हमारे अपार्टमेंट के नीचे रखने वाली हूँ. और इस जगह को खाली करके इसको मैं क्लीन करूँगी. तो जो होता है ना, बैल्कनी बाहर का पोर्शन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है. तो साल में दो बार तो ये क्लीन होता ही रहता है. तो सबसे पहले मैं ऊपर का जो डस्ट वगैरह है वो सब क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैं पेंट का काम स्टार्ट करूँगी. और ये जो वॉल का पेंट आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर पर है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पूरा वाइट कर दूँ, क्योंकि वाइट करने से कोई भी जगह जो है थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, बड़ा लगता है. तो इसके लिए मैंने वाइट कलर को ही चूज़ किया है. तो कलर का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है. और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कलरिंग करना, वॉश करना, क्लीन करना, ये मैंने बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था. अभी मार्च का महीना है जब मैंने ये पेंट करना स्टार्ट किया था. मैंने सोचा था कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट कुछ ना कुछ मतलब आता ही गया, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मेरा बहुत सारा काम जो है वो अटक गया था. तो इसके लिए फाइनली 4 महीने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो. और यहाँ पे जो पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो पेंट मैंने अंदर यूज़ किया है रूम पे, वही मैं यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास था तो मैंने वही पेंट यूज़ किया है. अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा लो बजट में भी आपको पेंट मिल जाएगा बालकनी वगैरह पे यूज़ करने के लिए. और यहाँ पे पेंट मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ, कोई भी प्राइमर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ. पेंट को मैं उठा के भी दूसरा पेंट को अप्लाई नहीं कर रही हूँ. जैसा था उसी को मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया ऊपर से, और उसके बाद मैं पेंट को अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हो पिजन वगैरह आके ना पूरा जो वॉल है पूरा गंदा हो जाता है. तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको मैं पेंट करूं. और यहाँ पे जस्ट मैंने इसको क्लीन कर लिया था एक कपड़ा लेके, उसके बाद ही मैं पेंट को अप्लाई कर रही हूँ. और नीचे का पोर्शन आप देख रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया था. और ये सब जगह ना मिट्टी गिर के थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि ये पेंट के ऊपर मिट्टी गिरा हुआ है तो इसको क्लीन करने से ना ये क्लीन नहीं होता है. और इसीलिए ना मैं इसके ऊपर ही पेंट कर रही हूँ. तो यहाँ पे वाइट का जो पोर्शन है पूरा क्लीन हो गया है, पूरा पेंट कर दिया है मैंने. अभी जो ये साइड का वॉल है आप देख रहे हो, अतनो ऊपर का पोर्शन जो है उसको पेंट कर रहे हैं. और ये साइड हम लोगों ने पिंक कलर चूज़ किया है, क्योंकि कृति के रूम के साथ मैच हो जाएगा इसीलिए. और आज है नेक्स्ट डे, तो पेंट का काम जो है अभी आधा हम लोगों का बाकी है. और पेंट का काम कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को 2 दिन लगा, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है इसको भी हम लोगों को डालना है. और वाइट कलर का जो ऊपर का पोर्शन है वो अतनु कर रहा है, और नीचे का जो ये ग्रिल वगैरह है ये सब मैं कर रही हूँ, ब्लैक कलर डाल रही हूँ. जो नॉर्मल स्कॉच ब्राइट होता है ना, जो उसी से मैं इसको पेंट कर रही हूँ. और हाथ से करने से ना थोड़ा ईजी होता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है. और हम लोगों ने धीरे धीरे टाइम लेके इस काम को किया, क्योंकि घर का बाकी सब काम भी हम लोगों को करना रहता है. तो वीकेंड में हम लोगों ने ये काम किया, सैटरडे संडे हम लोगों ने पेंट का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया. और पेंट करने के बाद ना जगह जो है एकदम से नया हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है. देखिए यहाँ पे पेंट जो है मेरा कंप्लीट हो गया है पूरा. और अभी मैं क्या करूँगी, नीचे का जो पोर्शन है उसको क्लीन करूँगी. और यहाँ पे पेंट करने के बाद ना जगह जो है एकदम से चेंज हो गया है, टोटल चेंज हो गया है. तो अभी बारी है फ्लोर को क्लीन करने की, तो वही मैं अभी एसिड वॉश करूँगी, क्योंकि बिना एसिड वॉश के ये क्लीन नहीं होगा अच्छी तरह से.
तो यहाँ पे आप देख रहे हो एसिड वॉश करने से ना पूरा फ्लोर जो है एकदम से क्लीन हो गया है, नया बन गया है आप बोल सकते हो। लेकिन हाँ, एसिड वॉश करने के टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एसिड है, और पूरा प्रोटेक्शन लेके आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एक कारपेंटर को बुलाया है क्योंकि यहाँ पे एक एंकर बोर्ड को लगाना है कुछ भी हेवी चीज़ हैंग करने के लिए। ये मोर देन 120 kg तक लोड ले सकता है। ये हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है, कोई भी हार्डवेयर के शॉप में आपको ये मिल जाएगा। और अभी हम लोग इसमें डाल रहे हैं पिजन नेट, ये हमने अमेजोन से लिया है। हम लोगों ने पहले मेजरमेंट कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने अमेजोन पे ऑर्डर किया और फिर हम लोगों को परफेक्टली साइज़ में मिल गया। और अभी आप जो ग्रास देख रहे हो ना, ये भी हम लोगों ने अमेजोन पे ही ऑर्डर किया है। तो वही आपको मेज़रमेंट डालना होता है, उसके बाद अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट करने वाली हूँ क्योंकि जिस पोर्शन पे मेरा जो पॉट रहेगा उस जगह को मैं अलग से कट करके रखूँगी ताकि जब मैं बाकी का पोर्शन क्लीन करूँ तो मुझे पूरा पॉट जो है उसको उठाना ना पड़े, क्योंकि जो गमला होता है बहुत भारी होता है, उसको उठा के हर दिन क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैं उसी साइड को कट करके फिक्स कर दूंगी परमानेंटली, और जो मैं यूज़ करूंगी जिस पोर्शन को उसको मैं रेगुलर बेसिस में क्लीन करने के लिए उसको मैं अलग रखूंगी। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा बहुत कट करना पड़ रहा है कॉर्नर का पोर्शन, तो उसको कट करके मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मेरे सारे गमले रहेंगे, जो पॉट है वो सब रहेंगे, तो इसके लिए मैंने इसको कट कर लिया है। और ये ग्रीन कारपेट डालने से ना पूरा जगह जो है एकदम से चेंज हो जाता है, आप खुद ही पहचान नहीं पाओगे अपनी पुरानी जगह को। और देखिए पूरा फ्लोर जब बन गया है तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मतलब लुक आ रहा है नीचे ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पे अभी हम लोग झूला फिक्स करेंगे, और कृति यहाँ पे आ गई है क्योंकि उसको बहुत पसंद आया ये झूला, तो वही अतनु फिक्स कर रहे हैं। लेकिन झूले के साथ जो चेन दिया गया है बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोगों को करना है। लेकिन ये जो चेन है ये बहुत ऊपर रह रहा है झूला, तो इसके लिए मार्केट से हम लोगों ने अलग से जो चेन है वो खरीद के लेके आए ताकि ये जो झूला है थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कृति बैठेगी या हम लोग भी कभी बैठेंगे तो ये मतलब नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो चेन आप देख रहे हो ये हम लोगों ने लोकल मार्केट से लिया है, हार्डवेयर के शॉप से। और ये हमारा झूला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये जो फेंस आप देख रहे हो ये एक DIY फेंस है, और इसका डिटेल्स वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बहुत जल्दी इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। कुछ ऊट का फ्लोर देख रहे हो, ये मैं फिक्स करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो सिर्फ ऊट का ही फ्लोर बना सकते हो आपकी बैल्कनी पे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट। और ये जो ऊट का फ्लोर है ना, इसको एक दूसरे के साथ आप फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो होल देख रहे हो ना, इसको दूसरे साइड में जो इस टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है इसके साथ उसको फिक्स कर देना है ताकि एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए, ताकि ये हिले ना, इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको फिक्स करूँगी और एक शेप दूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ पे मेरा झूला है उस जगह को मैं एक ऊंट का फ्लोर देने वाली हूँ, जैसे एक पाथ टाइप का रहता है ना डिज़ाइन, उस टाइप का बनाने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे लगता है कि ये अगर पूरे बैल्कनी पे ऊंट का फ्लोर बन जाता ना तो भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन ग्रास मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने ग्रास को भी रखा और साथ में ऊंट का जो फ्लोर है इसको भी रखा है।
और प्लांट्स जो होते हैं ना किसी भी जगह पे एकदम से जान डाल देते हैं। और यहाँ पे जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये सन के साथ आते हैं और सन डूबने के बाद ना फ्लावर भी एकदम से मतलब बंद हो जाते हैं, तो ये इसको हम लोग टाइम फ्लावर बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है, इस जगह को ना एकदम से चेंज कर दिया है इसने। All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us great. और ये भी एक DIY टेबल है, इसका भी वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ। और ये एक ऊड का ट्रे है, इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रास का जो टुकड़ा है ना, मतलब फ्लोर है, ये मैं इसमें रखूँगी। और साथ में ये छोटे छोटे जो हाउस है ना, जो कि बहुत क्यूट है, उसको मैं रख के एक फेरी लैंड जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे एक छोटा सा गाँव होता है ना उस टाइप का। और दो ब्रिज मैंने ऐसे रख दिया है, और उसके बाद मैं इसको एक एक करके डेकोरेट करूँगी। और ये जो मिनीचर है ना, इसको आप जितना टाइम दे के इसको डेकोरेट कर सकते उतना अच्छा है। तो इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा, मेरा एक कोशिश है कि एक फेरी लैंड जैसा बनाने का। और साथ में ये जो थ्रेड है थोड़ा सा मैच होता है, तो इसको भी मैंने इस तरह से डाल दिया है। और एक एक करके सारा सामान, मतलब जितना आप इसको डेकोरेट कर सकते हो उतना ही अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो थोड़ा बहुत मैं डेकोरेट कर रही हूँ, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। गार्डन में इस टाइप का चीज़ें ना बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर डाल दिए हैं, कुछ आर्टिफिशियल लीव डाल दिए हैं। और ये मेरा बनाया हुआ है एक DIY डोर है, जिसमें वेलकम लिखा हुआ है। और ये है बहुत ही क्यूट सा मशरूम, जो कि मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, और ये ना मुझे बहुत क्यूट लगा है। और ये है वो बटरफ्लाई, जिसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ना, इसको डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और ये दिखने में भी आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. ओके, तो अब बारी है नाइट व्यू की। तो ये जो मूनलाइट आप देख रहे हो ना, इसको 6 बार टैप करने से इसका कलर चेंज होता है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये देखिए, एक एक करके कलर चेंज हो रहा है। और 7 टाइप टैप करने से ना ये कलर चेंज मतलब होता ही रहेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो ये जो टेबल है, ये हमने इसलिए बनाया है ताकि इसका जो लाइट है वो भी बाहर आ सके। Before I sleep, hear the crickets, see the moon.